उत्तर प्रदेश सरकार ने स्टूडेंट को दी राहत। नमस्कार दोस्तों, मैं कविता झा आप सभी का मेरे YouTube चैनल कविता इज हेयर पर एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो जैसा कि आपको हेडिंग से कंफर्म हो गया होगा कि मेरा रिसेंट टॉपिक क्या है, चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। लखनऊ, कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते संक्रमण के कारण अब शैक्षणिक कार्य तथा शैक्षिक सत्र भी प्रभावित हो रहा है। प्रदेश सरकार इसको पटरी पर लाने के प्रयास में नित नए नए जतन कर रही है। उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय तथा डिग्री कॉलेजों में स्नातक प्रथम व द्वितीय वर्ष के छात्र अगली कक्षा में प्रोन्नत होंगे। प्रदेश के डिप्टी सीएम तथा उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने मीडिया को बताया कि स्नातक में प्रथम तथा द्वितीय और परास्नातक में प्रथम वर्ष के सभी छात्र छात्राओं को आंतरिक मूल्यांकन व पिछली कक्षा में मिले अंकों के आधार पर प्रमोट किया जाएगा। वहीं स्नातक तृतीय वर्ष और परास्नातक द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों की परीक्षाएं होंगी। परीक्षाएं ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों मोड में होंगी। परीक्षा का समय कम होगा और बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जा सकेंगे। इसके लिए प्रदेश के विश्वविद्यालय 23 जुलाई तक अंतिम वर्ष के छात्रों की परीक्षा का कार्यक्रम तैयार कर उच्च शिक्षा विभाग को सौंपेंगे। इसके साथ ही 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षा ऑफलाइन या ऑनलाइन कराने का भी निर्देश दिया गया है। इसके बाद 15 अक्टूबर तक स्नातक अंतिम वर्ष और 31 अक्टूबर तक स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष का परिणाम घोषित करने का भी निर्देश दिया गया है। डॉक्टर दिनेश शर्मा ने बताया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने वैश्विक महामारी कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप के दृष्टिगत छात्रों के स्वास्थ्य व सुरक्षा सिद्धांतों के साथ उनको पारदर्शी एवं समान अवसर को महत्व देने की योजना तैयार की है। इसके लिए शैक्षणिक विश्वसनीयता, व्यवसाय का अवसर और वैश्विक स्तर पर छात्रों के भविष्य की प्रगति को सुनिश्चित किया जाएगा। इस संकट में भी छात्रों के शैक्षिक मूल्यांकन तथा परीक्षा में प्रदर्शन के माध्यम से छात्रों में आत्मविश्वास एवं संतुष्टि का भाव उत्पन्न करने के साथ क्षमता प्रदर्शन विश्वसनीयता को वैश्विक स्वीकार्यता पर प्रतिबंधित करने की तैयारी है। इन सभी के दृष्टिगत आगे परीक्षा संपन्न कराने और परिणाम घोषित करने तथा आगामी सत्र के शैक्षणिक कैलेंडर के बिंदुओं को सम्मिलित किया गया है। यूजीसी तथा भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में प्रदेश के विश्वविद्यालयों में परीक्षाएं / परिणाम 2020-21 के संबंध में निम्नांकित दिशा निर्देश दिए गए हैं। फर्स्ट वन इज कोविड-19 के प्रसार के खतरे के दृष्टिगत राज्य विश्वविद्यालयों की अंतिम वर्ष / अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर अब शेष परीक्षाओं को स्थगित किया जाएगा। नेक्स्ट वन सेकेंड नंबर इज कुछ विश्वविद्यालयों ने समस्त परीक्षाएं लॉकडाउन से पूर्व संपन्न करा ली थी तथा मूल्यांकन के बाद परिणाम भी जारी कर दिए गए हैं। वह परिणाम यथावत रहेंगे। इन परीक्षाओं पर वह नियम लागू रहेंगे जो पहले से लागू थे। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं। तो मिलते हैं फिर एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। टिल देन ओके बाय।